हेलो, वेलकम टू फ्लावर डे। ये देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे गार्डन में इन दिनों में क्या क्या चल रहा है। तो मेरे गार्डन में साफ़ सफाई चल रही है, क्योंकि ये बहुत सारे बेर के पत्ते इकट्ठे हो रहे हैं जिनको मैं कलेक्ट कर रही हूँ। और ये मेरा फाउंटेन है जिसमें भी बहुत सारे पत्ते हो गए हैं, तो इनको भी मैं सबको कलेक्ट कर लूँगी। इसमें मेरी बेटी मेरी हेल्प करेगी, हम दोनों माँ बेटी ये सब काम करते हैं। तो ये सारा एरिया आज सफाई करनी है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये लुक कैसा है और इसके बाद में हम इसको कैसा कर देंगे साफ़ सफाई करने के बाद में। तो ये इतना एरिया पूरा पोर्शन खाली करके साफ़ करना है हमको। और ये देखो, और मैंने यहाँ पर ये सारे पत्ते इकट्ठे कर लिए हैं जो कि हमारे ये ऊपर बेर के पेड़ से गिर रहे हैं। ये देखो कितने गिर गए हैं और भी गिरने वाले हैं। और ये पत्ते हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिए हैं। ये अब 2-3 महीने बाद में ये खाद का काम करेंगे। और ये मैंने जो पहले पत्ते कलेक्ट करे थे उसके ऊपर मिट्टी डाल के, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं इसके अंदर पौधे लगा दूँगी, तो ये मैंने चोले की फली लगा दी है जिसको बोडा भी कहते हैं, वो लोबिया बोडा चोले की फली, वो मैंने इसमें लगा दी है। और इसमें मैंने कुछ भिंडी के पौधे ग्रो करे हैं, तो ये मैंने 2 कट्टों में अभी तो ये करा है। इनमें भी मैं मिट्टी डाल करके ऊपर और इसके अंदर भी मैं पौधे लगाने वाली हूँ। तो चलो आप लोगों को दिखाते हैं कि ये हम कैसे करते हैं। अभी झाड़ू की सहायता से हम ये सब काम करेंगे, क्योंकि तो ये सब करना पड़ता है गार्डन के अंदर साफ सफाई। और ये देखो कितने सारे बोर भी हैं जो कि यहाँ पर सूख चुके हैं। तो ये मैं इसे ये काम कर दूंगी झाड़ू की सहायता से। ये सब गार्डन के अंदर ये सारे काम करने पड़ते हैं। ये ऐसे इकट्ठा कर लेंगे और इसको कट्टे में भर देंगे। तो चलिए, साफ़ सफाई करने के बाद में आप लोगों से फिर मिलती हूँ। और ये देखो एमरल्ड लिली के पौधे, अभी तक मेरे यहाँ पे फूल कितने प्यारे खिले हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। देखो ये पूरा कितना प्यारा लग रहा है। ये सब मैंने बल्ब से ग्रो करे थे, इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया था। मैंने इसमें क्या क्या डाला है ये भी मैं आप लोगों को बताया था कि कौन सी इसमें खाद डाली है जिसका ऐसा रिज़ल्ट आया है मेरे सामने। तो कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना इसके फूल, मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और तो एक बात और बता दूं कि इसके अंदर फूल स्पेंग भी हो रहे हैं और नई नई बर्ड्स भी आ रही है इसके अंदर, वो भी एक बात है, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा कि नए सूट्स आते रहते हैं। लेकिन ये देखो इसके अंदर फूल भी हैं और नई बर्ड्स भी नीचे से निकल रही है, तो ये एक नई बात है। और नीचे से दूसरे स्टॉक भी निकल रहे हैं फूल देने के लिए नए नए। और अब तो इनमें पत्तियां भी आ गई है, पहले इनमें पत्तियां नहीं थी, सिर्फ ये फूल का स्टॉक आ रहा था, लेकिन अब इसमें पत्तियां भी आ रही है। तो ये है मेरा गार्डन गर्मियों का। ये हिबिस्कस के कुछ फूल खिले हुए हैं, यहाँ पर फूल तो है नहीं अभी इन दिनों, और मैं ला भी नहीं रही हूँ नए फूल, क्योंकि अभी इतनी गर्मी के अंदर फूलों को संभालना बड़ा मुश्किल काम है। ये कुछ डॉग फ्लावर एक दो निकल गए हैं यहाँ पे, अभी इन्हीं की केयर हो जाए वो बहुत है, नए पौधे में लाना पसंद नहीं कर रही हूँ अभी। तो ये ऐसा ही चल रहा है मेरा गार्डन। और ये देखो मैंने पॉट खरीदे थे, ये 100 रुपये का एक पॉट मुझे दिया, ये मैंने 3 खरीदे हैं। इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है तो, और डीप भी बहुत अच्छे से है, इसलिए मैं लेके आई थी कोई भी बड़ा पौधा लगाने के लिए, ये बहुत अच्छे लगे मुझे, इसके लिए मैं ये 3 लेकर के आई हूँ। देखती हूँ अभी इसमें मैं क्या लगाने वाली हूँ, अभी तो सिर्फ मैंने ला करके रखे हैं। तो वो अब ये देखो फाउंटेन पूरी तरह से क्लियर हो गया है और ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है, मोटर भी चालू है इसकी। तो अब इसको थोड़ी सी रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, देखो ये यहाँ पर से ये क्रैक हो गया है, ये काफ़ी टाइम तक जब चलता नहीं है तो ये फिर क्रैक हो जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा रिपेयर करके और फिर इसको चालू करूँगी, फिर आप लोगों को बताऊँगी। तो ये देखिए ये मेरा कॉर्नर कैसा लग रहा है, अभी तो मैंने इसको बस इस तरह से रखा है, फिर इसको डेकोरेट करेंगे और फिर आप लोगों को बताएँगे।
तब तक आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।